ये बन चुकी है इंडिया की सेफेस्ट एसयूवी। स्कॉर्पियो एन के अंदर जो है वो रडार एंड कैमरा बेस्ड, एंड ये तभी फंक्शन करेंगी जब आप दरवाजा बंद करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। अब ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है बट इसके अंदर गाइस यहाँ पर 7 एयर बैग जो है वो ऑफर किए गए। दोस्तों हमारे साथ में है स्टाडा हैरियर और आज मैं इसके टॉप 8 ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो किलर हैं एंड दोस किलर फीचर्स विल एक्चुअली बीट XUV 700 स्कॉर्पियो एन जैसे प्रोडक्ट को। जस्ट इन केस यू आर चेकिंग आउट ऑन स्कॉर्पियो एन एंड XUV 700 हियर इज व्हाट यू शुड कंसिडर इन टाटा सफारी। गाइस टाटा सफारी के जो लुक्स हैं काफी रिफ्रेश लुक्स हैं। इनफैक्ट इट गेट्स द बेस्ट इल्यूमिनेशन सेटअप क्योंकि इसके अंदर डुअल प्रोजेक्शन तो आती है। आप फॉग लैंप यूनिट में देखोगे तो दो प्रोजेक्शन सेटअप दिया गया है जो बेस्ट इन क्लास है एंड इसके बेस वेरियंट से ही यू गेट द LED सेटअप और यहाँ पर LED प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप के साथ में LED फॉग लैंप सेटअप भी है। इनफैक्ट जो DRLs हैं वो कंटिन्यूटी में है जो इसके लुक्स को और एनहांस कर रहे हैं, ज्यादा रिफ्रेश ये अब लग रही है। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो इसके लुक्स में आप देखोगे कि ये क्रोम फिनिशिंग के लेआउट जो है वो ज़्यादा इंसर्ट हुए हैं एंड यहाँ पर एयर डैम जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ है जो हीट कन्वेक्शन में इसको काफ़ी मदद करने वाला है। सो दीज आर सम ऑफ द LED हेडलैम्प्स एंड इसके लुक्स काफ़ी क्लियर हो गए। इनफैक्ट जो इसके रियर के ये कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप है ये अब नई जनरेशन जितनी भी गाड़ियां उनके अंदर आ रही हैं इसीलिए ये ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रही है और नीचे से अगर आप देखेंगे तो फॉग लैम्प एंड रिवर्स लैम्प भी इसके अंदर जो है फिट इन कर दिए गए हैं तो एकदम नए एंड एडवांस्ड नए लुक्स के साथ में इसका बम्पर जो है वो अब आ गया है। लुक्स आर डेफिनेटली अ वर्थ कंसिडरिंग पॉइंट है। गाइस टाटा हैरियर जो है वो 5-star सेफ्टी रेटिंग्स के साथ में आती है एंड सो इज स्कॉर्पियो एन एंड XUV 700, बट द फैक्ट इज ये एडल्ट ऑक्यूपेंसी में सबसे बेहतरीन मार्क्स लेके आती है क्योंकि यहाँ पर 33 out of 34 एडल्ट सेफ्टी रेटिंग्स यहाँ पर सफारी एंड हैरियर को ऑफर हुई हैं जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा। इनफैक्ट ये बन चुकी है इंडिया की सेफेस्ट SUV, सेफेस्ट कार टू ऑप्ट फॉर। नो डाउट स्कॉर्पियो एन एंड XUV 700 के अंदर भी बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग्स हैं, उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता, बट हमेशा बेहतरीन बेहतर से ज़्यादा बेहतर होता है, यानी कि बेटर इज ऑलवेज बेटर देन गुड। तो वो गुड कैटेगरी में एंड ये बेटर कैटेगरी में जो वो इंट्रोड्यूस हो गई है, मुझे लगता है एक सेफर, ज़्यादा सेफर जो है वो ऑप्शन यहाँ पर होगी। इनफैक्ट स्कॉर्पियो एन के अंदर जो है वो रडार एंड कैमरा बेस्ड एंड रडार बेस्ड जो है वो एडास नहीं आता है जो इसके साथ में एक एडवांटेज ज़रूर है। हाँ XUV 700 के अंदर रडार ज़रूर आता है। दोस्तों हैरियर के अंदर आती है टेक्नोलॉजी और कैसे मैं आपको बताता हूँ। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बड़ी डिस्प्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इनफैक्ट यू गेट अ डिजिटल स्टेयरिंग कॉलम यहाँ पर, ये जो देखिए इल्यूमिनेट हो जाता है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन है, यहाँ पर क्राउन ज्वेल जो है वो आपके पास में, मोड चेंज या सेलेक्टर जो है वो आ चुका है। इनफैक्ट आपके पास में है ये एडजस्टेबल सीट्स जो इलेक्ट्रॉनिकली है, इसके साथ साथ पैसेंजर साइड भी 4-way एडजस्टेबल है जो आपको यहाँ पर देखने को नजर आ रही होंगी। इनफैक्ट ये जो सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड सीट्स हैं और आप गर्मियों में परेशान नहीं होंगे। नो मैटर इसके अंदर के जो इंटीरियर हैं वो ब्लैक हैं बट आपको पसीना नहीं आने वाला, चिलिंग एसी मिलता है। गाइस यहाँ पर 7 एयर बैग जो हैं वो ऑफर किए गए हैं, 6 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड जो XUV 700 एंड स्कॉर्पियो के अंदर नहीं आती है, मेकिंग द लोअर वेरियंट्स ऑल्सो सेफर फॉर everyone. तो यहाँ पर 7 आपको एयरबैग्स, ये नी वाले जो एयरबैग्स हैं वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आएंगे जबकि 6 एयरबैग्स आपको रेगुलर बेस वेरिएंट से इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आए। गाइस इट्स हाई टाइम कि हम लोग चेक करें इस गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी। तो देखो ये जो मेमोरी सीट्स हैं, मैं दरवाजा बंद करूंगा तो ये अपने आप पोजिशन कर लेंगी, आगे हो चुकी हैं ये देखिए, एंड ये तभी फंक्शन करेंगी जब आप दरवाजा बंद करेंगे, ये नहीं कि दरवाजा खोला और आप बैठे और ये आगे की तरफ हो गए, नहीं, जब तक आप डोर को बंद नहीं करोगे तब तक ये मेमोरी फंक्शन। तो प्रैक्टिकलिटी में ये काउंट। दूसरी चीज, USB सी टाइप और बी टाइप दोनों इंट्रोड्यूस हुए हैं, अनलाइक अदर मैन्युफैक्चरर जो सी टाइप नहीं देते हैं या बी टाइप देते हैं, या फिर अगर सी देते हैं तो दोनों ही सी दे देते हैं जैसे कि आप स्कॉडा फॉक्सवैगन ग्रुप में देखते हैं। दैट इज वन प्रैक्टिकलिटी फीचर इट इज हैविंग। इनफैक्ट जो इसका ग्लव बॉक्स है गाइस यहाँ पर जो है ना एक्स्ट्रा ट्रे दी गई है तो आप चाहें तो उसको रिमूव कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। अब ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है बट इसके अंदर 12 volt का सॉकेट भी है एंड इसके अंदर USB A and USB B and USB C टाइप दोनों केबल्स अवेलेबल हैं, तो आप जिससे मर्जी उससे चार्ज करो। आपको मिलता है यहाँ पर बॉटल होल्डर, लेकिन आप ये बॉटल होल्डर देखोगे ना तो इसके अंदर स्लॉट्स बने हुए हैं जो और भी चीजें स्टोर करने में आपको मदद करेगा। दोस्तों सेकंड रो में अगर आप बैठोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि ये तो और भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। यहाँ पे छोटा सा स्टोरेज स्पेस है, USB C and B अगेन आपके पास में। एक कमाल की चीज, ये जो हेडरेस्ट है ना आपके हेड को फ्री फॉल होने से बचाएंगे जब आप सो रहे होंगे, तो ये देखिए ये कमाल के हेडरेस्ट, मतलब दिस इज वन ऑफ द फेवरेट फीचर
आई लव इन दिस कार। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास में एक मोबाइल होल्डर है, दो यहाँ पर जो है वो बॉटल होल्डर आपको देखने के नजर आते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी इज समथिंग जहाँ पर टाटा ने भर भर के दिमाग लगाया, अपने इंजीनियर्स को बोला कि भाई मेरे को चाहिए अपने कस्टमर का जिंदगी और बेहतरीन, तो आप जिंदगी बेहतरीन करो, बाकी मैं देख लूँ। दोस्तों और जिंदगी अगर ईजी करनी है, हालांकि इसका जो टेल गेट है वो जनरली ऐसे वो नहीं होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, और इसी में नहीं बहुत सारी गाड़ियों में इशूज हैं, तो टच सेंसिटिव। आप देखिए यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट बटन दबाया और ये इलेक्ट्रिक बूट गेट है, तो धीरे धीरे अपने आप ही खुलेगा, और अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हो, तो देयर यू गो, अपने आप ही बंद होगी। अगर आपके हाथ में सामान है तो आप लोड अनलोड कर पाएंगे। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आता है स्पेस, और भर भर के स्पेस दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप पैसेंजर साइड भी देखें तो आप देखोगे कि एक पैनल बीच में ऑफर किया गया, तो ये पैनल के ऊपर और भी स्विचेस एंड नॉब्स कंट्रोल्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो स्पेस इतना है यहाँ पर कि मैं अगर चाहूँ इस आर्मरेस्ट को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, साथ ही बगल वाला इंसान जो है वो भी आर्मरेस्ट को इस्तेमाल कर सकता है, स्पेस एक्चुअली बच जाती है ज़्यादा। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अच्छा हेडरूम है, नी रूम जो है वो ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, हेडरूम भी जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स हैं। सेकेंड रूम में भी कमाल का जो है वो स्पेस दिया गया है, तो स्पेस ऑफरिंग में कोई भी कमी यहाँ पर नहीं रखी गई है। दोस्तों गाइस टाटा सफारी एंड हैरियर दोनों की ही जो मैनोवेबिलिटी है वो कमाल की है, नेक्स्ट लेवल है। बट एक सैड पार्ट ये भी है कि इसके अंदर केवल डीजल इंजन ऑप्शन आता है, तो पेट्रोल ना होने की वजह से वो लोग जिनको अपनी जो NGT के रूल से थोड़ा परेशान है, जो दिल्ली NCR में रह रहे हैं, वो उनके लिए थोड़ा सा ऐसा इश्यू क्रिएट हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रख सकते। इनफैक्ट डीजल इंजन के साथ में यूरिया यानी कि एड ब्लू ऑप्शन भी आता है, तो आपको हर सर्विस पे जनरली आप देखेंगे 10-15,000 किलोमीटर पे आपको हमेशा एड ब्लू जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो कॉन्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके डीजल इंजन के बारे में बात करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डीजल इंजन इन द सेगमेंट, रीजन बीइंग ये आउटसोर्स है फीएट का, और क्रायोटेक इंजन जो है वो 170 PS प्रोड्यूस करता है, और ये इसको बेहतरीन मैनोवेबिलिटी, बेहतरीन ड्राइव क्वालिटी देता है। जब आप अंदर बैठ के चलाएंगे, ना केवल सिटी में, हाईवे में भी ये वो पंच देगा, वो बूस्ट जनरेट करेगा जिससे आपकी गाड़ी को एक बेहतरीन पिक मिलेगा। नॉट ऑन द कॉर्नरिंग करने में भी अननेसेसरी का बॉडी रोल नहीं है, रीजन बीइंग ये मोनोकोक चैसी पे बेस्ड है एंड लेडर ऑन फ्रेम नहीं है, फ्रंट व्हील होने की वजह से वो पंच भी आपको जो है वो हमेशा यहाँ पे व्हील्स में मिलता है, यानी कि वो टॉर्क हमेशा व्हील के ऊपर रहता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लुक्स देखोगे तो नो डाउट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग SUV इन द सेगमेंट। हाँ प्राइसेस थोड़ा हायर साइड पर ज़रूर है, तो वो क्रिटिसिज्म भी ज़रूर बनता है, तो वैल्यू फॉर मनी जनरली नहीं है। अब SUV आप खरीद रहे हो वो भी एक ऐसी बल्कि SUV जो लगे एक प्रॉपर SUV, तो वहाँ पर ज़रूर आपको तकरीबन 25,49,000 या 26,49,000 अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट में भी इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीद रहे हैं तो 1,30,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर पे करने पड़ेंगे फॉर दिस टॉक कन्वर्टर यूनिट। एंड लुक्स के मामले में नो डाउट इसमें दो राय तो नहीं हो सकती, लुक्स आर अमेजिंग, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक्स लगते हैं। तो अगर आप अभी खरीद रहे हो तो मुझे लगता है 4 से 5 साल आपको कोई भी अपग्रेड की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छी बेहतरीन रोड प्रेजेंस की गाड़ी आपको यहाँ पे मिल रही है जो डोमिनेट करेगी इस सेगमेंट में आने वाली तमाम गाड़ियों के साथ। गैस यहाँ पे इंटीरियर्स को भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि अब रिफ्रेश हो गए हैं इसके लुक्स, और इंटीरियर्स की जो हमें शिकायत थी कि यार अब आउटडेटेड लगने लगी है, वो वुडन टेक्सचर बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता था, वहाँ पर सेटिन फिनिश अब आ गई है और बहुत सारे क्रोम पैटर्न्स आप देखोगे इंटीरियर्स में, बहुत सारे क्रॉस पैटर्न्स भी आप देखोगे यहाँ पे जो बॉडी कलर के साथ में मैच किए गए हैं, जो उसके टॉप ऑफ द लाइन में रखे गए। इनफैक्ट नया स्टेयरिंग आने की वजह से 4-स्पोक स्टेयरिंग व्हील दिया गया है जो लिट करता है, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स को टर्न ऑन करोगे तो वो टाटा का लोगो जो है वो यहाँ पर देखने को नजर आएगा, और नीचे से फ्लैट बॉटम भी दिया गया है ताकि वो आपके पैरों पे ना लगे जब आप एक शार्प टर्न लो या आप जब भी स्टीयर करो अपनी गाड़ी को तो वो नीचे से पैरों पे ना लगे। तो इंटीरियर्स तो कमाल के हो गए हैं नो डाउट। सो दोस्तों ये तो थे टाटा हैरियर, जो हमने आपको फीचर्स इसके बताए हैं वो कमाल के फीचर्स हैं सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ उनसे। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।